स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डोर हैंगिंग। डोर हैंगिंग कैसे बनता है, क्या क्या उसमें लगता है। ये देखिए, दो कलर का मैंने ये वायर लिया है। देखिए, दो कलर का मैंने वायर लिया है। ये डेढ़ डेढ़ मीटर वन अंडा हाफ काट के मैंने तैयार कर लिया दोनों कलर। और सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखिए कुछ मैंने ये बेल्स लिया है। इसमें कलर कोई भी मैच करेगा वही कलर इसमें मैं डाल दूंगी। कुछ मैंने मोती लिया है, ये देखिए ये वाले मोती लिए हैं। और इसमें कोई भी ये बेल्स लगाएंगे, जो भी अच्छा लगेगा इसमें वही। और सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखिए अलग से मैंने ये डोर हैंगिंग के लिए 2 मीटर वायर काट के तैयार कर लिया। इसको 2 लड़ करके ये इधर इसको रखना है, ऐसे रख के सबसे पहले इसमें वायर डालेंगे हम 2 लड़कर करके। इसी में पूरा वायर जितने हमारे गेट की चौड़ाई होगी इतने इसमें इस तरीके से डाल डाल के, देखिए 2 मैंने ये ऑरेंज डाल चुके इसमें, 2 फिर ये ग्रीन डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसमें 2 ये ऑरेंज डालूंगी, 2 ग्रीन डालूंगी, डाल के पूरे में तैयार कर लूंगी जितनी हमारी गेट की लेंथ है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, मैंने ये डाल के पूरा तैयार कर लिया। ये देखिए 4-4 वायर मैंने डाल के तैयार कर लिया। और सबसे पहले इसमें नोट्स लगाना होता है। ये डिज़ाइन आगे बनाऊंगी वो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसमें हम ये 4-4 वायर पकड़ के नोट्स लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे 4-4 वायर पकड़ के नोट्स लगा के फिर एक इसके बीच में 2 लाइन मतलब नोट्स की लगाऊंगी इसमें। मैं पूरे वायर में 2 लाइन नोट्स की लगाने के बाद में फिर इसमें डिजाइन बनाऊंगी। अभी देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने नोट्स लगा के तैयार कर लिया। ये देखिए इसमें भी मैंने 4 वायर डाल के 3 नोट्स लगा दिए, इसमें भी 3 नोट्स लगा लिए। और अभी डोर हैंगिंग के हम डिजाइन की स्टार्टिंग करेंगे। तो डिजाइन की स्टार्टिंग कैसे करना है, ये देखिए सबसे पहले इस हाथ में, ये राइट हाथ में एक वायर इसका पकड़ना है ग्रीन वाला, और फिर ये ऑरेंज वाला इस हाथ में पकड़ के इसमें सबसे पहले पाइपिंग निकालना है। ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे हम इसमें पाइपिंग निकालेंगे एक वायर का। इसमें 2 बल लगाने हैं, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए 4 वायर मैंने, ये इसमें 8 वायर हैं, 4 हम डाले थे इसमें तो डबल करके 8 वायर हो गए। 8 वायर हो गए इसमें, 4 मैंने ये इधर पाइपिंग निकाल के इधर ले लिया, 4 इसमें जाएंगे, ये 4 इस साइड में जाएंगे। और अभी इसमें 4 वायर में ये पाइपिंग निकालनी है इस वाले में, यहाँ तक देख मैंने 3 नोट्स लगाए हैं तो इसका आधा करना है इधर तक मैं पाइपिंग निकालते हुए। ये 4 वायर में मैंने ये पाइपिंग निकालूंगी।
ये देखिए दूसरे में मैंने पाइपिंग निकाल दी, ऐसे ही दो में और निकालूंगी, चार वायर में पाइपिंग निकालना है। देखिए पाइपिंग निकालने का तरीका, ये देखिए इसको इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे इसमें से ए ऐसे निकालना है इस तरीके से। हर वायर का इसमें दो प्लेट लगाने हैं, तीन में पाइपिंग निकल चुकी। ये देखिए चारों वायर में, ये ग्रीन वाले में पाइपिंग निकाल के ये वाले वायर इधर आ गए और ये ऑरेंज वाले इधर चले गए। अब इसी तरीके से मैं इस साइड में जो इसमें चार बच गए इस साइड में पाइपिंग निकालूंगी सबसे पहले। इसी तरीके से चारों वायर में इधर, जैसे मैंने इधर लेके आ गया तो ये चार वायर इधर आ जाएंगे, इसी तरीके से ये वाले चार वायर मैं इधर ले लूँगी। देखिए एक वायर में इधर वाले में मैंने पाइपिंग निकाल के इस साइड में ले लिया और अभी ऐसे तीन वायर और बच गए ग्रीन वाले, चार इधर ले लिया मैंने, चार इधर, तो ये तीन वायर में और पाइपिंग निकालते हुए इस साइड में लेके आ जाऊँगी, इधर आठ वायर हो जाएंगे। अभी देखिए पाइपिंग निकालते हुए ये चार वायर इधर आ गए, इसमें पाइपिंग निकाल के ये चार इधर आ गए और ये ग्रीन वाले बीच में आ गए, ऑरेंज वाले इस साइड में चले गए दोनों। ये देखिए इसके नीचे जो मैंने तीन नोट्स लगाए थे इसके नीचे ग्रीन वाले आ गए, तो सबसे पहले इसमें इस तरीके से बीच वाले चार वायर पकड़ के नोट्स लगाना है। ये देखिए इस तरीके से अभी ये बीच वाला मैंने नोट्स लगा दिया, तो दो वायर इसमें लगा दूंगी, दो इसमें। तीन इसमें नोट्स लगा दिए अभी, ये वायर पकड़ के चार इसमें बीच में नोट्स लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से इसमें ये नोट्स लग गए, और जो कि मैंने ये इधर ऑरेंज वाला ये वायर इधर आया है इसमें भी इसी तरीके से चार नोट्स इसमें लग गए, चार इसमें नोट्स लगा दूंगी मैं अभी इसी तरीके से पकड़ के।
चार नोट्स इसमें मैंने ये ऑरेंज वाले में लगा दिए। ये देखिए चार ही लग गए, चार ही लग गए। और अभी सबसे पहले इसमें करना क्या है, अभी देखिए, अब ये नीचे भी जैसे हमने ऊपर पाइपिंग निकाली है, ये इसी तरीके से हम ये नीचे पाइपिंग निकालेंगे ऑरेंज वाले से। तो ये बीच में ये डिजाइन बन के आ जाएगी, चार नोट से बीच में दिखेंगे और चारों तरफ ये पाइपिंग ऑरेंज की। देखिए इस तरीके से इसको ये राइट हाथ में सबसे पहले पकड़ के और ये ऑरेंज वाले की पाइपिंग निकालते हुए फिर से हम अंदर लेके आएंगे, ये इस तरीके से। ये देखिए चार ऑरेंज वाले इधर आ गए पाइपिंग निकल के और चार ये ग्रीन वाले इधर चले जाएंगे, इस तरीके से पाइपिंग निकालते हुए। देखिए तीनों में पाइपिंग निकल चुकी है, ऐसे ही ये लास्ट। देखिए जैसे ऊपर ये पाइपिंग चार में निकली थी ऐसे इसमें चार में निकल गई। अब जैसे इस साइड में निकाला है मैंने, इस साइड में भी इसी तरीके से ये ऑरेंज वाले से पाइपिंग निकाल दूंगी। उसने इसमें पाइपिंग निकालने में एक एक वायर में दो दो इस तरीके से इसमें बल लगाने हैं। देखिए इस तरीके से नोट्स से लगाने हैं। ये देखिए चार वायर पाइपिंग निकल के इधर आ गए, अब ये चारों ग्रीन वाले इधर चले जाएंगे इस साइड में। अभी देखिए मैंने इस साइड में पहले पाइपिंग निकाली फिर ये इस साइड में, और अभी ये पाइपिंग निकाल के सबसे पहले ये ऑरेंज वाले में नीचे क्या करना है, हम ये फ्लावर सा एक बन के तैयार हो गया। ये देखिए इस साइड में ये और बीच में डिजाइन बन के आ गई है ग्रीन वाले वायर की। और सबसे पहले इसमें करना क्या है नीचे, ये देखिए इसमें उसी तरीके से नोट्स लगाएंगे हम जैसे इधर हमने लगाए थे, ऐसे ये चार वायर पकड़ के सबसे पहले फ्लावर मेरा ये पूरा बन के तैयार हो गया। अभी इतना ही उसमें डोर हैंगिंग में हम ऊपर वाले डिजाइन इतनी देंगे। अभी ऑरेंज वाले तो हम नोट्स लगा के इसमें वापसी कट करके एक्स्ट्रा इसको कट करके और वापसी इसी में चिपका देंगे, और ये जो ग्रीन वाला है इसमें फ्लावर बन के आए हैं बीच में, इसमें हम बेल्स लगाएंगे नीचे।
ऐसे, इसमें ये नोट्स लगा के मेरा फ्लावर बस इतना बनाऊंगी, पूरा बन के तैयार हो गया। इसमें अब हम ऐसे कट करके पूरा वायर ये एक्स्ट्रा है इसमें ये कट कर देंगे तुरंत। देखिए इतना इतना मैंने कट कर दिया। कट करके लाइटर की मदद से इसको ऐसे वापसी हम चिपका देंगे। चिपका कर ये ध्यान रखना जिसमें ये बीच में बन के फ्लावर आ रहे हैं इनमें हम इसी तरीके से इसमें नोट्स लगाएंगे ऐसे चार चार वायर पकड़ के। ये पट्टी बन रही है डोर हैंगिंग की पट्टी। हम मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है, सिंपल भी सिर्फ नोट्स लगा के भी पट्टी बनती है, लेकिन मैं इसमें डिजाइन की पट्टी बनाई हूँ, बहुत सुंदर लगती है पूरी बनने के बाद में। इस तरीके से अब इसमें ये चार नोट्स लगा के इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसको सबको बराबर को कट करके और बेल्स लगाऊंगी इसमें नीचे, बहुत सुंदर लगेगी। देखिए इसको इसी तरीके से ये आठ वायर छोड़ने हैं, आठ वायर छोड़ के नीचे इसमें बेल्स लगाने हैं और इनको लाइटर की मदद से चिपकाना है। ये देखिए इस तरीके से पूरा ये फ्लावर बन के आएंगे और ये जो मैंने छोड़ दिया इसमें मैं बेल्स लगाऊंगी, बेल्स लगाना मैं बताऊंगी, और जो मैंने ये कट करके वापस इसमें लाइटर की मदद से ऑरेंज वाले इसमें चिपका दिए और इसमें बेल्स लगाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगी ये डोर हैंगिंग। देखिए ऐसे ये मैंने 1 2 3 4 5 6 से फ्लावर बना के तैयार कर लिया। और अभी इसमें जितने हमारे गेट की लंबाई चौड़ाई होगी उतनी ही उसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो अभी ये फ्लावर मेरा पूरा तैयार हो गया, इसमें मैंने ये ऊपर से पाइपिंग निकाल ली, तो इसमें भी इसी तरीके से ये नोट्स लगा दिया मैंने और इसी तरीके से ये पाइपिंग निकालते हुए ये ऑरेंज वाला इधर आ जाएगा और ये ग्रीन वाले इधर आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं इसमें नोट्स लगाऊंगी, पाइपिंग निकालूंगी सबसे पहले। जैसे इसमें ये इधर से इधर आ गए ऐसे ये चार वायर इधर से इधर पाइपिंग निकालते हुए आ जाएंगे, फिर आठ वायर हो जाएंगे। आठ वायर के नोट्स लगा के इसी तरीके से मैं नोट्स लगा के इसको छोड़ दूंगी। ये देखिए ऐसे पूरे में ये पाइपिंग निकालूंगी मैं। हर वायर में दो दो इसमें ये नोट्स लगाना है इस तरीके से।
ये देखिए चारों वायर पाइपिंग निकल के इधर के इधर आ गए थे, इधर के इधर आ गए। अब इसमें नोट्स लगाना है, ऐसे ही पूरी पट्टी बनानी है गेट की डोर हैंगिंग। ये देखिए चार नोट्स लगा के इसको मैं ऐसे ही लंबा का लंबा छोड़ दूंगी, क्योंकि नीचे इसमें बेल्स लगाऊंगी। ये इधर डिजाइन बन के आई है, उसमें बेल्स लगाना है। और ये है ऑरेंज वाले, इसको फोल्ड करके इधर वापसी चिपका देना है। अभी एक फ्लावर, इसमें तीन पाइपिंग निकल के तैयार हो गई। इसमें जो चार बच गए हैं, ये चार बच गए, इसमें इधर से पाइपिंग निकालेंगे हम। इसी तरीके से पूरे गेट की पुट्टी डोर हैंगिंग की बन के तैयार हो जाती है, बहुत सुंदर लगती है। अभी देखिए फ्रेंड, मेरी पूरी ये गेट की डोर हैंगिंग बन के तैयार हो गई। और जैसे कि ये वायर है ग्रीन वाले, इसको तो ऐसे लेंथ इसकी रखनी है, इसमें मैं बेल्स लगाऊंगी। और ये जो ऑरेंज वाले, इसको कट करके और इस तरीके से इसको हम चिपका देंगे। देखो ये कैंडल की इसकी मदद से, ये देखिए इस तरीके से इसको वापसी चिपका दूंगी, जितने भी ऑरेंज वाले वायर डाला था मैंने। और इसमें मैं बेल्स लगाऊंगी पूरे में। अभी देखिए मैंने ये वायर छोड़ रखा है बेल्स लगाने के लिए। इसमें बीच सेंटर में मैंने ये मोती डाल डाल के नोट्स लगा दिया। ये देखिए मोती किस तरीके से, सिर्फ इसमें मटका शेप में मोती लेने हैं ये डिजाइन देने के लिए। और इसमें मोती देके ऐसे इसको रख के, और सिर्फ इसमें नीचे नोट्स लगाना है। ये इस तरीके से ये नोट्स लगा दिए। और अभी सबसे पहले हम इसमें नीचे बेल्स लगाएंगे। ये ब्लू कलर के मैंने बेल्स लिए हैं, ये देखिए ब्लू कलर के बेल्स लिए हैं। तो पूरे इसमें नीचे मैंने पूरे लगा के, अभी देखिए हम चाहे तो उससे लाइटर से भी चिपका सकते हैं। और ये इसकी कैंडल की मदद से मैं ये मोती इसमें पूरे में जितना वायर छोड़ रखा है ग्रीन वाले, ये डाल डाल के इस तरीके से, देखिए इसको सबसे पहले इसकी शेप बनाने कहाँ पर ये डालना है। सर उसे लगाऊंगी मैं दो वायर में, एक ये बेल्स लगाऊंगी। अभी नीचे मैंने ये मोती डालूंगी दो वायर में, ये इस तरीके से। अब ये बेल्स लगाऊंगी। अभी देखिए फ्रेंड, मेरी डोर हैंगिंग बनके तैयार हो गई। ये देखिए बनने के बाद में कितनी सुंदर लग रही है इसकी, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए ये ऑरेंज वाला मैंने फोल्ड कर दिया है, ये फिक्स मैंने वायर डाला था दो दो। और ये जो ग्रीन वाला है, इसको मैं देख, इसमें ये बेल्स लगा दिया। साइड में मैंने थोड़ी इसकी लेंथ दे दी, क्योंकि साइड में तो लेंथ भी ठीक रहेगी, अच्छी लगती है। और ये बीच में फिक्स एक नाप का मैंने पूरा कट किया है। ये देखिए मैं सिर्फ इसमें मोती, एक लाइन इसमें वाइट वाले मोती की दे दी। देखिए लंबाई मैंने इसकी मेरे गेट की नाप की फिर लंबाई दी है इसकी। देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं, ऐसे कोई भी गेट पर हम लगाएंगे तो बहुत सुंदर फिनिशिंग आई इसकी बनकर, बहुत सुंदर लगेगा। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं फिर से समझाऊंगी अच्छे से। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।